हेलो एवरीवन, मोहित देसाई फ्रॉम पेपियर। आज एक नया क्वेश्चन और करते हैं। मेंडिंग मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ वैल्यूज। अगेन अ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम लीड कोड वीकली 240। ठीक है, एंड क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप बीइंग क्वेश्चन हमारा समझना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो उन्होंने बताया है हमें कि दो नॉन इंक्रीजिंग जीरो इंडेक्स्ड एरेज हमें गिवन है। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग कहने का मतलब है कि डिक्रीजिंग वैल्यूज हो सकती हैं और या फिर इक्वल वैल्यूज हो सकती हैं। दो एरेज है, नंबर वन नंबर टू। पेयर ऑफ इंडेसेस हमें, अगर हम आई और जे को एज्यूम करते हैं, वो वैलिड तभी होंगे जब आई की वैल्यू जैसे छोटी हो और नम्स ऑफ आई ग्रेट लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ टू ऑफ जे। ठीक है, तो एक बार इसको लेके चलते हैं। ये चीज थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज लग रही है। अगर आई और जे हमारे एक वैलिड एक पेयर है तो वो वैलिड होंगे और कुछ डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसे समझते हैं, ये लाइन क्या कह रही है। धीरे धीरे डिकोड करेंगे एंड वी विल बिल्ड अप टूवर्ड्स अवर आंसर। देखो, आई और जे दो वैल्यूज, आई बिलोंग करेगी नम्स वन में, जे बिलोंग करेगी नंबर टू वाले एरे में। तो लेट सपोज ये नंबर वन वाला एरे है जिसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वेरिएबल आई से। यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ वेरिएबल जे से। एक पेयर है आई और जे का, पेयर क्या होगा, वैलिड। वैलिड पेयर्स की बात हो रही है। वैलिड तभी होगा जब आई की वैल्यू लेस देन जे है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं पे। मैं क्या क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू जे, मतलब इंडेक्स की वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी, या फिर नम्स ऑफ, और साथ ही साथ जो एरे वन है उसमें आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू नम्स टू ऑफ जे। ठीक है, क्वेश्चन समझने से डिकोड तो नहीं होगा बट थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फिर उसने बोला है कि अगर ये दो कंडीशन वैलिड, मतलब वैलिड है, तो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। वैलिड अगर है, यस है तो ठीक है, नो है तो हमें कुछ करना ही नहीं उसका। अगर यस है तो हमें फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, एंड दैट डिस्टेंस विल बी जे माइनस आई। ऑब्वियसली जे की वैल्यू, ठीक है कूल, तो थोड़ा सा आइडिया लग गया क्या हमसे ये चाहते हैं। एक बार मैं इस अजीब सी लाइन को हटाता हूँ। समझते हैं। देखो, उसने बोला आई बिलोंग करेगा नंबर वन में, जे बिलोंग करेगा नंबर टू में। तो लेट सपोज मैंने कोई भी आई की वैल्यू सेलेक्ट कर ली यहाँ पे, ये टू, इंडेक्स टू है। ठीक है, और जे की वैल्यू मैंने लेट सपोज हमने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, जे हमें ऐसा ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो क्या कह रही है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जे होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैंने आई की वैल्यू टू सेलेक्ट करी है तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। इसका मतलब जे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है मेरी। जे की पोटेंशियल वैल्यूज है टू से लेके फोर तक। ठीक है, उनमें भी हम उसको अपनी पोटेंशियल वैल्यू मानेंगे जब नम्स ऑफ आई, मतलब आईथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए किससे, जो जेथ इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होनी चाहिए। तो सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है फाइव, वो टेन से छोटी है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये वाला एक वैलिड, एक पोटेंशियल जे की वैल्यू हो सकती है। टू, जो टू पे वैल्यू पड़ी है फाइव वो टेन से भी छोटी है, और जो टू पे वैल्यू पड़ी है फाइव वो फोर से छोटी है, बराबर है, तो ये भी ठीक है। तो मतलब अगर आई की वैल्यू में अगर टू सेलेक्ट करता हूँ तो जे के पोटेंशियल पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, टू थ्री फोर, ये मेरे हो गए सिर्फ वैलिड पेयर्स। याद रखना, अभी सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ क्वेश्चन को डीकोड कर रहे हैं। तो ये तो हो गए हमारे वैलिड पेयर्स। तो दीज आर वैलिड पेयर बिकॉज ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। आई की वैल्यू छोटी भी है जे की वैल्यू से, और आई पे जो वैल्यू पड़ी है वो जे की वैल्यू से छोटी है या बराबर है। तो ये मेरे पास कुछ पोटेंशियल कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं। अगर मैं इसके वैलिड पेयर्स बनाऊं तो बनेंगे 2,2, 2,3 एंड 2,4। आई होप आई एम गेटिंग इट। एक बार फिर भी समझा देता हूँ। टू की वैल्यू नंबर वन वाले एरे से आ रही है तो ये फाइव, और थ्री इंडेक्स की वैल्यू है। ये समझने के लिए, आई की वैल्यू जैसे छोटी है या बराबर है, ट्रू, और इसकी वैल्यू उस ब्लॉक पे जो पड़ी है वो भी छोटी या बराबर है, तो ये एक हमारा पोटेंशियल वैलिड पेयर है। तो मैंने टू से स्टार्ट होने वाले आई की वैल्यू टू मान के सारे के सारे वैलिड पेयर निकाल लिए। डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालू, टू माइनस टू डिस्टेंस इज जीरो, थ्री माइनस टू डिस्टेंस इज वन, फोर माइनस टू डिस्टेंस इज टू। तो ऐसे ना हमें सारे के सारे वैलिड पेयर कंसिडर करने हैं, ऐसा उन्होंने हमें बोला है।
ठीक है, और हमें बताना है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी वैलिड पेयर, ठीक है, अगर कोई वैलिड पेयर नहीं है तो रिटर्न जीरो, ठीक है, वायबल। देखो क्वेश्चन है कि पहले निकालो, पहले कंसिडर करो, निकालो नहीं, कंसिडर ऑल वैलिड वैलिड पेयर्स। तो पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये रहेगी कि भाई सारे सारे वैलिड पेयर को कंसिडर करना है जो हमें डिकोड आंसर ढूंढना है। सेकेंड चीज, उन सब वैलिड पेयर का कोई डिस्टेंस निकलेगा तो आपको बताना है उन सबका मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर मैं ये मान लूं कि मेरे इस पूरे के पूरे दो एरे के अंदर सिर्फ यही इतने ही पेयर बन सकते हैं, तो इस केस में मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गया? टू। एग्जाम्पल है, मतलब और भी पेयर्स बनेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि हो क्या रहा है यार, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, ये समझ नहीं आएगा तो दिक्कत में पड़ जाओगे। आई वुड प्रेफर कि जब इतने थोड़े से कंडीशंस वाले क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत सारे वेरिएबल्स, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स जब आपके इन्वॉल्व होते हैं ना, तो पेन पेपर पे लिख के किया करो, काफी चीजें तो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है। मतलब कहीं पे अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढंग से लिख दिया ना, तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है, कहीं मैंने पढ़ा था ये, कभी कभी ट्रू भी लगता है, कभी 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 तब भी नहीं होती। चलो कोई नहीं, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ अच्छा, एक चीज और, इसका कांस्टेंट देख लेते हैं। ओके, कांस्टेंट्स आर वेरी हेफ्टी, ठीक है, बैंड बच जाएगी, कोड फट जाएगा अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। कांस्टेंट्स देखो, 10 की पावर 5, मतलब कि अगर मैंने कोई भी नाइव अप्रोच लगाई, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं सारे के सारे पेयर्स चेक करता हूँ, मतलब यहाँ से अगर मैंने कोई एक आई की वैल्यू निकाली और यहाँ पे फिर मैंने सारी की सारी जे की वैल्यू पॉसिबल चेक करी जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो तुम आई थिंक समझ पाओगे कि यहाँ पे अगर मैंने आई की वैल्यू ली है तो इन सबको चेक करना पड़ेगा। ऐसे आप हर एक वैल्यू के लिए करोगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर रहा हूँ। अगर आपने ये वाली चीज अगर आपने हर एक वैल्यू के लिए कर ली, तो यार कोड तो दिक्कत दे देगा, ठीक है, कोड फट जाएगा, एन स्क्वायर का सोल्यूशन बन जाएगा। अगर मैं उसके ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करूं, जो सिर्फ ये बोलता है कि जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसा ही कर दो, सारे के सारे आई की वैल्यू को उठाओ, जे की वैल्यू उठाओ, एक एक करके चेक करो, जोन सी इन दो कंडीशंस को मैच कर रही है उनका डिस्टेंस निकालो और मैक्सिमम चेक करो, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको ओ ऑफ एन स्क्वायर से कम में सॉल्यूशन नहीं दे सकती, ठीक है। और जो हमें कॉन्स्टेंट्स गिवन है, ये हमें बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमने लीनियर टाइम से ऊपर दिया तो मैं तुम्हें मार्क्स तो नहीं दूंगा, कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले होंगे जिस किसी को भी लीनियर टाइम से अगर ऊपर में किया है तो, सॉरी लीनियर नहीं, एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइम पे गई हो तो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? क्वेश्चन को डिकोड करना बहुत इजी है अगर आप बहुत ही बेसिक टर्म्स पे ध्यान दो। अगर मैं इसको रिवर्स इंजीनियर करना स्टार्ट करूं, मेरे पास अगर लेट्स सपोज कोई भी आंसर आता है तो क्या होगा? वो एक मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम किस चीज का होगा? जे माइनस आई का। हमारे पास वैलिड पेयर था तभी तो, मतलब वैलिड पेयर मिल गया, मान लो ये मैक्सिमम बनाना है। अब ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब जे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है, या और ये क्या हो हमारा, स्मॉलेस्ट। जे की वैल्यू को सबसे बड़ी हुई और आई की वैल्यू सबसे कम हुई, तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा, जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस है बेसिकली, वो ऑफ कोर्स क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस मैक्सिमम कैसे हो सकता है, मतलब ये मैं ये कैसे इंश्योर करूं कि हर आई की वैल्यू के लिए मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलती है? मतलब देखो ना, हम क्या कर, हम देखो इसमें ये भी नहीं कर सकते कि हम सिर्फ इसमें स्मॉलेस्ट ढूंढ लें, इसमें लार्जेस्ट ढूंढ लें, हो सकता है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो हमें ना सारी की सारी एक चीज को फिक्स करके दूसरे को चेक करना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम पता क्या करेंगे, मैं टू पे हूं, ठीक है, लेट सपोज मैंने अपनी आई की वैल्यू को फिक्स कर दिया। अब मैं इस आई की वैल्यू के लिए मैक्सिमम जे ढूंढने की कोशिश करूंगा, और सिर्फ मैक्सिमम जे मिल गया ना मुझे, मैं अपने से मैक्सिमम जे ढूंढने की कोशिश करूंगा और वो वैलिड पेयर भी होना चाहिए। वैलिड पेयर का मतलब क्या हुआ? आई की वैल्यू, जे की वैल्यू आई के इंडेक्स से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास सिर्फ इतनी सी रेंज बची है, इसके अंदर मुझे क्या ढूंढना है, एक ऐसी वैल्यू जो मेरे खुद के ब्लॉक पे जो वैल्यू पड़ी है 5 से,
बड़ी हो या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो, तो तीन मुझे वैल्यूज मिलती हैं, 10 भी बड़ी है, ये भी 10 भी बड़ा है और ये बराबर है, ठीक है। अब मैं इनमें से किसे कंसिडर करूंगा, सोच के देखो, जितनी जे की वैल्यू बड़ी होगी उतना मेरे को फायदा है, क्यों फायदा है, क्योंकि मेरे को कम पेयर चेक करने पड़ेंगे और वही मेरा मैक्सिमम बनेगा। जे की वैल्यू 2 भी हो सकती है, पर अगर मैंने फॉर्मूला निकाला, अगर मैंने सोचा तो क्या होगा, 2 माइनस 2 डिस्टेंस इज 0, तो मतलब आगे चलते हैं, 3, 3 माइनस 2 डिस्टेंस इज 1, 4 माइनस 2 डिस्टेंस इज 2। तो जब मेरे को पता है कि मेरी ज्यादा बड़ी जे की वैल्यू ये है 5 है, तो क्यों ना मैं इसे ही चेक कर लूं, मेरे को ये 2 और 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम पता क्या करेंगे, हम अपने हर एक नम्स ऑफ 1 में आई की वैल्यू को फिक्स करके नम्स ऑफ 2 में बाकी की रेंज में चेक करेंगे कि उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और सबसे दूर भी होनी चाहिए। सबसे दूर होने का मतलब समझ जाओ कि जे की वैल्यू क्या हो, सबसे पीछे वाली, सबसे आखिरी एलिमेंट हो वाला, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा लिखने की फॉर्म में करता हूँ, क्योंकि जो चीज लिख लेते हैं ना वो चीज ऑटोमेटिकली आधी समझ आ जाती है यार। देखो हमने क्या किया, नम्स ऑफ 1 में एल्गोरिथम भी यही रहेगी और इम्प्लीमेंटेशन मैटर करेगी कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम होती है। नम्स ऑफ 1 में मैंने क्या किया, आई को फिक्स कर लिया, किसी भी आई को फिक्स कर लिया, ठीक है। अब मेरे को अगर मैंने किसी आई की वैल्यू को फिक्स कर लिया, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं थोड़ा सा वापस चलता हूँ, ठीक है, आई की वैल्यू को अगर मैंने फिक्स कर लिया तो मेरे पास नम्स ऑफ 2 में रेंज क्या रह गई, तो नम्स ऑफ 2 में जो कि मेरी रेंज क्या होगी, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके बराबर या उससे बड़ी, तो मतलब मेरे को वहीं से 2 से लेके एंड तक चेक करना पड़ेगा, मतलब कि आई से लेकर कहां तक नम्स ऑफ 2 की जो लेंथ है -1 तक, इस रेंज के अंदर मुझे क्या चीज ढूंढनी पड़ेगी, इस रेंज के अंदर मुझे वो चीज ढूंढनी पड़ेगी, इंडेक्स ऑफ वैल्यू विच इज ग्रेटर, या तो किसे, नम्स ऑफ आई पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो मेरी वैल्यू निकल, आई से आई जो मैंने फिक्स किया उसे, जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है v1, विच इज ग्रेटर और इक्वल टू v1 वैल्यू 1 एंड शुड बी फार्देस्ट, शुड बी मैं बोलूंगा टूवर्ड्स दी लेफ्ट, मतलब मैं बोलता हूँ मोस्ट लेफ्ट, सबसे ज्यादा मुझे राइट पे वैल्यू चाहिए, तो इसमें कैसे लिखूं, 2 सेकेंड सोचते हैं, सबसे ज्यादा राइट पे वैल्यू चाहिए, शुड बी टूवर्ड्स द एंड, ऐसे लिख लो, मुझे वर्ड अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा, पर कोई नहीं, इंग्लिश थोड़ा सीखनी है, मतलब सॉल्यूशन समझना है। देखो एक एक करके समझाता हूँ क्या चीज हो रही है, पूरा पूरा गेम यहाँ से डिकोड हुआ कि कैसे मैक्सिमम आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन से और भी चीजें क्लियर होंगी, बट एक बार के लिए थोड़ा सा ड्राई रन, क्योंकि ड्राई रन से कोड जब होता है ना तो फिर वो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कोड करके ड्राई रन तो ईजी है, बट एक बार ड्राई रन से कोड निकलता है ना तो गलती बहुत कम होती है। देखो मैं 0 पे गया, मैंने आई की वैल्यू फिक्स कर ली, अब हमें क्या बोल रखा है, आई की वैल्यू फिक्स कर ली तो मेरा v1 क्या हो गया, वैल्यू वन हो गई 55, ठीक है। अब नम्स ऑफ 2 के अंदर आई से लेके एंड तक, नम्स ऑफ मतलब लेंथ -1 इंडेक्स तक, मतलब यहां से लेके यहां तक मेरे को ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो v1 से क्या हो, बड़ी हो या बराबर हो और टूवर्ड्स दी एंड पीछे की तरफ हो। तो क्या 150 से बड़ा है, 2050 से बड़ा है, नहीं है, तो आगे चेक करने का फायदा नहीं है, छोटी वैल्यूज ही है, तो मेरे को सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बराबर और इक्वल टूवर्ड्स दी एंड कहां पे मिली, 0 पे। तो आई को 0 मानते हुए जो मेरा सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल, जो मेरा मैक्सिमम आंसर बन सकता है, जो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस लाके देगा वो क्या है, 0, यही बन सकता है, 0,0 डिस्टेंस कितना आया, 0। अब ये तो यहीं पे मिल गया मुझे, अब आगे देखते हैं,
फोकस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इजी है। मैंने इसको फिक्स कर दिया फर्स्ट इंडेक्स को, दूसरे वाले एरे में गया आई से लेके लेंथ माइनस वन, यहां से लेके यहां तक मुझे क्या ढूंढना है, एक ऐसी वैल्यू जो 30 से बड़ी हो या बराबर हो। मुझे कोई ऐसी वैल्यू मिली ही नहीं। लो जी, अगर कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं मिली तो मतलब कि मैं वन को कंसिडर करके कोई भी वैलिड पेयर नहीं बना सकता, जे तो मुझे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, टू पे गया, मैंने आई की वैल्यू फिक्स करी, पेयर में देखा मतलब बाकी के पार्ट नम्स टू में देखा, बाकी का पार्ट नम्स टू में चेक कर रहे हैं दूसरे वाले एरे में। फाइव से बड़ी वैल्यू या बराबर वैल्यू जो सबसे दूर हो इससे, टुवर्ड्स द एंड हो, वो है ये। सिर्फ इसे ही चेक करेंगे क्योंकि यही मेरा एक पोटेंशियल आंसर है। टू को कंसिडर करते हुए मैक्सिमम डिस्टेंस मुझे इस फोर को लेकर ही मिल सकता है। फोर माइनस टू टू, बीच के सारे पेयर बच गए, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और हम ये मैक्सिमम ये जे की वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसमें लगाएंगे हम बाइनरी सर्च, क्योंकि पूरा पूरा एरे तो क्या है, सॉर्टेड। थ्री पे जाते हैं, कंप्लीट करते हैं। थ्री पे गया, थ्री को कंसिडर किया, बाकी के पार्ट में देखा कि फोर से बड़ी वैल्यू या बराबर वैल्यू जो उसके सबसे पीछे हो, टुवर्ड्स द एंड हो, मुझे क्या मिली, फोर। तो थ्री को कंसिडर करते हुए फोर इंडेक्स पे मेरे को एक अच्छा वैलिड पेयर मिल सकता है, इसका डिस्टेंस क्या आएगा, वन। अच्छा वैलिड पेयर मैं ऐसे बोल रहा हूँ जो मेरा पोटेंशियल आंसर बनने के सबसे क्लोजेस्ट है, बाकियों को चेक करने की नीड ही नहीं है। मैं गया फोर पे, जे की वैल्यू आई की वैल्यू फिक्स करी और मैंने बोला यार इतने में जे की वैल्यू ढूंढो जो टू की वैल्यू से बड़ी है, वो तो एक ही है, ये रहा आपका जे। तो 4.4 भी एक अच्छा वैलिड पेयर है, इसका डिस्टेंस आएगा जीरो। बेसिकली हमने ना सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर निकाला है हर एक आई की वैल्यू के लिए, कंसिडर किया है, इससे हमारे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी बच गई। ठीक है, और हमने बेसिकली हर आई की वैल्यू को फिक्स करके मैक्सिमम सबसे बड़ा जे ढूंढो, क्योंकि वही तो मेरा आंसर बनाएगा यार, वही तो मैक्सिमम डिस्टेंस बनाएगा, कि जे माइनस आई करना है। जे जितना बड़ा होगा उतना हमारा फायदा होगा, वो मैंने हर एक आई के लिए सोच लिया। और अब इन सब का मैक्सिमम क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर टू। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू, मतलब लॉजिक इज क्लियर टू यू। एक बार के लिए से इंप्लीमेंट करते हैं, फिर एक बार इसका बहुत ही क्विक ड्राई रन करेंगे एक्चुअली में होगा क्या। देखो सबसे पहली चीज हमने ये बोला कि देखो नॉन पहले से सॉर्टेड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैंने बोला ठीक है यार एक आई की वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आई की सारी वैल्यूज को चेक करते हैं ना, तो आई लेस देन नम्स वन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। मैंने लेट्स सपोज कोई भी आई की वैल्यू सेलेक्ट, और कोई भी आई की मेरी लूप के अंदर आऊंगा, मेरी आई की वैल्यू सेलेक्ट हो गई। अब मैं दूसरे वाले एरे में ढूंढना चाहता हूँ। अब देखो दूसरे वाले एरे में ढूंढने कैसे, मतलब इस लूप में तो आएंगे, एक बार देखते हैं दूसरे वाले एरे में ढूंढने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि मेरी आई की वैल्यू टू है। ठीक है, तो जो वैल्यू निकल के आई पहले एरे से वो क्या हुई, फाइव। अब मेरे को दूसरे एरे में इतने पार्ट के अंदर ढूंढना है फाइव से एक ऐसा इंडेक्स ढूंढना है जिस पर फाइव की फाइव से बड़ी या बराबर वैल्यू पड़ी हो और सबसे लास्ट में हो। ठीक है, लेट अस अज्यूम मेरे पास दो तीन वैल्यूज और होती, या मेरे पास सिक्स होता, या और मतलब इतना भी काफी है। हम ना इसके अंदर ये कर सकते हैं, बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च हमें बहुत हेल्प करेगी। बाइनरी सर्च किस तरीके से हेल्प करेगी वो हम देखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज नंबर लाइन नॉर्मल ले लेते हैं, टेन टेन फाइव पड़ा है, उससे छोटी वैल्यू पड़ी है फोर थ्री टू। मान लो मेरे पास ये रेंज होती और मेरे को इस रेंज के अंदर ये जीरो से इंडेक्स है, मतलब ये कुछ मेरे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सेकेंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स है, सिक्स्थ इंडेक्स, सेवन्थ इंडेक्स। लेट सपोज ये मेरी रेंज होती, मुझे इस रेंज के अंदर ढूंढना हो, मुझे इस रेंज के अंदर क्या ढूंढना था, एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती जो फाइव से बड़ी हो या बराबर हो और सबसे एंड में हो। तो हम पता करेंगे नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाएंगे। बाइनरी सर्च लगेगा कैसे, यहाँ पे लो रखा, यहाँ पे हाई रखा और मिड निकाला। लेट सपोज हमारा मिड आया ये फोर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जो मेरे पास मिड पे आई है, अगर इसकी वैल्यू फाइव से छोटी है
तब तो ये हमारा पोटेंशियल आंसर बन ही नहीं सकता, इसका इंडेक्स हमारा पोटेंशियल आंसर बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, एक ऐसी वैल्यू, हमें वैल्यू टू ऐसी चाहिए जो बड़ी हो या बराबर हो वैल्यू वन के। तो अगर मुझे उससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो कहां कहां मूव करेंगे, लेफ्ट पे। और अगर मान लो हमारा मिड कभी भी कैलकुलेट होके आता है ये 10, तो हमें क्या चाहिए, बड़ी वैल्यू या बराबर वैल्यू, बड़ी वैल्यू मिल गई। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके राइट पे और कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि इसी केस में देखो, इसके राइट पे 5 है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो हमें तो वो वाला जे सेलेक्ट करना है जो सबसे राइट मोस्ट हो, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक ऐसा जे सबसे सबसे राइट मोस्ट हो, तो वो कौन सा है, ये 4। अगर मिड की वैल्यू जो मुझे मिली है वो 5 से बड़ी है या बराबर है तो कहां मूव कर जाओ, राइट पे, नहीं तो लेफ्ट पे मूव कर जाओ। साथ साथ अपने आंसर को अपडेट करते रहो, ठीक है। तो एक बार के लिए ट्राई करते हैं, ये एक्चुअली में लेवल 1 में जो कोडिंग की वेबसाइट है ना उसके अंदर है भी कि आपको लेफ्ट मोस्ट वैल्यू ढूंढनी है, सेम वैल्यू, तो आपको अगर मिड पे अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाती है तब भी हम लेफ्ट पे मूव कर जाते थे, एक क्वेश्चन है पेप कोडिंग की साइट पे। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस तो आई वुड प्रेफर कि वहां पे जाओ और एक बार क्लियर वो क्वेश्चन ट्राई करो, एरेज में मिल जाएगा 1D एरे, ठीक है। एक बार बाइनरी सर्च लिखते हैं, ठीक है, प्रीरिक्विजिट है बाइनरी सर्च यार, इसके अंदर नॉर्मल बाइनरी सर्च लगी है, तो बाइनरी सर्च में दिक्कत है, आई वुड प्रेफर जाओ देखो क्यों दिक्कत है और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मैं तो करवा ही रहा हूँ। आई की वैल्यू मैंने सेट कर दी, साथ में मैंने अपना टारगेट भेज दिया, ठीक है। अब ये बाइनरी सर्च क्या रिटर्न करेगा, एक जे की वैल्यू। तो मैंने देखो ना, अगर मैंने कोई आई की वैल्यू सेट करी है ना, तो नंबर 2 में उसकी रेंज क्या है, आई से लेके लेंथ -1। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लिए, लो की वैल्यू आई से स्टार्ट होती है और हाई इक्वल्स टू nums2 डॉट नंबर 2 की जो एरे है उस पे -1 आखिरी इंडेक्स तक। अब मैंने बोला लो की वैल्यू अगर छोटी है और बराबर है हाई के, तो सिंपली क्या कर जाओ, सॉरी, छोटी है बराबर है तो क्या कर जाओ, मतलब रेंज के अंदर है, मिड निकाला लो प्लस हाई बाय 2, ठीक है, मिड निकाला। अगर मुझे नंबर जो सेकंड एरे है उसके मिड पे जो भी मुझे वैल्यू मिली अगर वो मेरे टारगेट से छोटी है, तो मेरे को छोटी वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, तब तो वहां से सिंपली क्या करो, अपनी हाई की वैल्यू को कहाँ पे मूव कर दो, मिड -1 पे। क्योंकि देखो ना, जैसे हमने देखा था कि अगर हमारा मिड इस केस में 4 है, जस्ट अ सेकंड, अगर इसमें हमारा मिड 4 हुआ, मतलब ये हमारा हुआ मिड हुआ, तो 4 है, 5 से छोटा है, हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट में, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है एक तरीके से, मतलब नॉन इंक्रीजिंग ऐसा लिखा था उन्होंने, तो मिड -1। एल्स अब देखो, अगर मिड की वैल्यू छोटी नहीं है, मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वो छोटी नहीं है, लेट सपोज ये 10 है, बड़ी है या बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वन ऑफ द आंसर हो सकता है और इससे बेटर आंसर मुझे कहां मिल सकता है, इसके राइट पे। तो सिंपल सा काम करेंगे, अपने आंसर को स्टोर करते हैं, ये मेरा एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है मे बी, और इससे बेटर आंसर आपको कोई भी वैल्यू मिली उससे बड़ी या बराबर वैल्यू मुझे कहां मिल सकती है, उसके इससे, क्योंकि मुझे तो सबसे दूर जाना है ना, तो मैं कहां पे जाऊंगा, यहां पर, ये मेरा एक आंसर है, जे की वैल्यू जितनी दूर हो उतनी अच्छी है, तो इसका और यहाँ पे मूव कर जाओ, तो लो की वैल्यू कहां पे रख दो, मिड +1, ठीक है। अल्टीमेटली हम यहां से रिटर्न कर देंगे आंसर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज हमने मिस कर दी, वो चीज हमने पता क्या मिस करी, कि मान लो मुझे कोई आई की वैल्यू के लिए ऐसा जे मिला ही नहीं, जैसे कि इसी केस में अगर मैंने आई की वैल्यू को 30 सेलेक्ट किया होता ना, तो ऐसा कोई जे है ही नहीं, क्योंकि इस रेंज के अंदर 30 से बड़ी या बराबर वैल्यू कोई है ही नहीं, तो मुझे कोई मुझे वैलिड जे मिलता ही नहीं, तो हम ना यहाँ से बाय डिफॉल्ट -1 रिटर्न करवाते हैं। अगर इस वाइल लूप में गया और मुझे एक प्रॉपर जे मिल गया, तो मैं वो वाला इंडेक्स रिटर्न करवा दूंगा,
नहीं तो माइनस वन का माइनस वन रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे कि हमने आई की वैल्यू तो फिक्स कर दी है, अब तुम नंबर सेकेंड एरे में जाओ, आईएथ इंडेक्स से एंड तक किससे बड़ी है बराबर वैल्यू ढूंढ के लेकर आओ, उसकी जे प्रॉपर जे ढूंढ के लेकर आओ, नम्स वन पे जो वैल्यू पड़ी है, ये टारगेट भेज दिया। अब यहां से क्या मिलेगा, मुझे एक जे की वैल्यू मिलेगी। अगर जे की वैल्यू माइनस वन नहीं हुई, माइनस वन चेक करने का मतलब अगर जे की वैल्यू माइनस वन है इसका मतलब कि वो एक इनवैलिड है, मतलब उस आई को सिलेक्ट करके मुझे कोई जे मिल ही नहीं सकता। अगर मुझे कोई वैलिड जे मिला तो क्या करेंगे, मेरे पास आई भी है जे भी है, मुझे सिंपली क्या करना है, मैक्सिमम इंटीजर, अरे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया। अगर मुझे कोई प्रॉपर जे मिलता है तो मैक्स मैथ डॉट मैक्स ऑफ जे माइनस वन, जे माइनस आई, या फिर अभी का जो मैक्सिमम है दोनों का मैक्सिमम निकाल लिया और अल्टीमेटली इसी मैक्सिमम को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सेम स्कूल, आई की वैल्यू हर बार चेक करी, उस हर आई की वैल्यू के लिए एक जे की वैल्यू ढूंढी, बाइनरी सर्च है तो लॉग इन में वर्क करेगा, आई की वैल्यू लेट सपोज एन है और जे मतलब नंबर ऑफ वन, नम्स वन के अंदर एन एलिमेंट्स है, नम्स टू के अंदर एम एलिमेंट्स है, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन क्रॉस लॉग एम, क्योंकि दूसरे को उसमें मुझे लॉग ही टाइम लगेगा, बाइनरी सर्च का फायदा। चलाकर देखते हैं, कोड सबमिट डिफॉल्ट पे तो हो रहा है यार, चलाकर देखें। अच्छा फेल हो गया, फेल क्यों हुआ, देखो ये माइनस वैल्यू आई, इसका मतलब मुझे कोई वैलिड पेयर ही नहीं मिला, तो वैलिड पेयर में मुझे क्या चाहिए था, माइनस वन, तो यहीं पे क्या कर दो, माइनस वन कर दो, रन करो, रन तो पहले भी हो रहा था, क्या कर रहा हूँ, सबमिट, अभी भी गलती, माइनस वन है, एक सेकंड, माइनस वन है, बाइनरी सर्च से कुछ आया, और एक्सपेक्टेड जीरो, थोड़ी सी गलती हुई है लगता है, एक बार चेक कर ले क्या चीज हुई है, 5 4 3 बराबर वैल्यू मिलती है तो आंसर की वैल्यू मिड पे रख दी, मिड पे, मिड की वैल्यू आंसर पे, लो की वैल्यू मिड प्लस वन, नहीं तो हाई की वैल्यू मिड माइनस वन, लो शुड बी लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है, लो प्लस हाई बाय टू, एवरीथिंग सीम्स फाइन, क्यों दिक्कत कर रहा है, छोटी सी गलती कर दी शायद, लेट्स सी, ओके ठीक है यार, गलती समझ आ गई, गलती बहुत सिंपल सी थी कि रिटर्न जीरो, हम माइनस वन क्यों रिटर्न करवा रहे थे। हाँ, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर लैकिंग, करना पड़ेगा। हाँ यार चलो, कोड डन, लॉजिक एक बार के लिए क्विकली, क्विक 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 एक छोटे से एग्जांपल पे इसका ड्राई रन कर लेते हैं, ड्राई रन कंप्लीट तो बस मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको उठाता हूँ, मैं ये ड्राइंग दोबारा नहीं बनाना चाहता, तो केयरफुली पिक करते हैं, अरे इसको भी पिक कर लेते हैं, ठीक है कोड लेकर चलते हैं, ये रहा हमारा कोड, मैक्सिमम डिस्टेंस, एक छोटी सी चीज बस मेरे को दिखानी है एंड देन वी विल बी वाइंडिंग अप दिस डिस्कशन। ओके कूल, मैंने कोई आई की वैल्यू सेलेक्ट करी, ये वाला लूप तो यार अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत सिंपल है, ठीक है, इस पे तो डटे रहो, बढ़िया है, सच इजी है, आई मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाइनरी सर्च पे कॉल लगाया, मैंने क्या क्या भेजा, मैंने बोला नम्स टू का एरे, ठीक है भाई, आई की वैल्यू जो कि टू है, टारगेट हमारा जो सेकंड इंडेक्स में पड़ा है फाइव, फाइव से बड़ी वैल्यू या बराबर वैल्यू सबसे राइट मोस्ट पे कहाँ पे पड़ी हुई है, मैंने लो और हाई लिया, मैंने बोला लो की वैल्यू हाई, हाई से स्टार्ट करो, दिस इज माई लो, दिस इज माई हाई, इंडेक्स में लेंथ माइनस वन, इतनी रेंज के अंदर चेक किया जा रहा है पूरी पूरी गेम में, आंसर माइनस वन ले लिया, आंसर बेसिकली हमारा जे बताता है, आंसर ये हमारा बेसिकली यहाँ पे जे है, माइनस वन ले लिया, मैंने अंदर जाके मिड निकाला, 2 + 4 / 2, 2 + 4 = 6, 6 / 2 = 3, तो इतना सोचने का टाइम लगना नहीं चाहिए, मिड, मेरे को मिड पे एक ऐसी वैल्यू मिली
जो टारगेट से छोटी नहीं है, 10 5, टारगेट हमारा 5 था, 10 5 से छोटा तो है नहीं, एल्स में जाएगा। अभी हमने क्या किया, पोटेंशियल आंसर बना लिया, हमने मान लिया कि यार हो सकता है कि ये हमारा आंसर हो, तो मैंने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, इसका इंडेक्स मिड स्टोर किया है, तो मतलब यहाँ पे मैंने 3 स्टोर कर लिया, ठीक है, और लो की वैल्यू को मिड प्लस 1 पे मूव कर दिया। देखो ना, मुझे पता चल गया कि ये मेरा एक आंसर बन सकता है, पर इससे बेटर आंसर मुझे अगर मिलता तो कहाँ मिलता, ऑब्वियसली राइट मोस्ट, जितनी दूर मतलब कि राइट पे मूव कर जाओ। लो की वैल्यू को कहाँ पे मूव कर दिया हमने, मिड प्लस 1, तो लो भी कहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे हाई के साथ बैठ आके बैठ गया, मतलब जहाँ पे हाई है वहीं पे आके बैठ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने बेसिकली मिड निकाला, लो हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 दोबारा से, क्योंकि लो की वैल्यू बराबर है, हो सकता है कि ये हमारा आंसर हो, मैंने मिड निकाला, यही हमारा क्या बन गया, मिड। अब इसकी वैल्यू चेक करी, अब इसकी वैल्यू फिर से क्या आती है, बड़ी आती है, तो मैंने इसको अपना पोटेंशियल आंसर बना दिया। अब ये भाई बेटर आंसर है ना यार, जितनी जे की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी उतना अच्छा मैक्सिमम आएगा, तो मैंने 4 मेरा पोटेंशियल आंसर है। लो को मैंने और आगे मूव कर दिया, पता नहीं है मतलब हमें दिख रहा है कि इसके आगे कुछ नहीं है, पर कंप्यूटर तो यार सब करेगा जो हमने लिखा है। लो रेंज से बाहर निकल गया, लो की वैल्यू बड़ी हो गई हाई से, व्हाइल लूप से बाहर आए और हमने अपना आंसर रिटर्न कर दिया। तो इस आई की वैल्यू के लिए, आई की वैल्यू 2 के लिए, जे की वैल्यू क्या निकल के आई, 4। -1 नहीं है, मतलब एक वैलिड जे मिल गया मुझे। मैंने चेक कर लिया क्या इसका डिस्टेंस अभी तक के डिस्टेंस, अभी तक के मैक्सिमम डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा है, उसने बोला हाँ 4 - 2 2 होता है, मैक्सिमम मिल जाएगा। ऐसे आई की वैल्यू 1 के लिए हुआ है, एक बार बाइनरी सर्च लगी है, तो ऐसे अगर एन टाइम्स लगाऊंगा तो एन लॉग एम लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम हो सकते हैं, दिस इज माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, सॉल्यूशन में मजा आया होगा, समझ ढंग से आया होगा। अगर आपके पास कोई बेटर अप्रोच है, बेटर कोड है, ऑब्वियसली कोई ना कोई कोड पक्का बेटर होगा, तो आई वुड लाइक टू नो, कमेंट पे लिखो, कमेंट बॉक्स में चेक इन करो एंड रिव्यू करेंगे। ठीक है, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।